गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वक्त सुबह के 7 बजे है और मैं माउंट आबू में वॉकिंग के लिए निकला हूँ फिर से एक बार। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जब हिल स्टेशन पर जाता हूँ तो मुझे सुबह सुबह वॉक करनी बहुत पसंद आती है, और आज तो वॉक करने की एक खास वजह एक और है, क्योंकि कल माउंट आबू जब सिटी में गया तो वहाँ बहुत सारी पब्लिक थी तो मैं उतना इंजॉय नहीं कर पाया जितना मुझे इंजॉय करना चाहिए था। अक्सर पब्लिक तो हम लोग मुंबई में भी देखते हैं, कालबा देवी, जवेरी बाजार और भुवनेश्वर जैसी जगहों पर पब्लिक भरी पड़ी होती है, तो वैसा ही कुछ सीन कल यहाँ पे माउंट आबू में था। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था इतनी पब्लिक देख के, मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती। कम पब्लिक हो तो आप वहाँ पे अच्छे से घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बस यही सब देखने के लिए सुबह एक बार फिर से मैं अपने घर से निकला हूँ। घर यानी कि 2 दिन जो मेरी यहाँ होटल है, मैं निकला हूँ वही सब देखने के लिए और फिर से उसे अच्छे से महसूस करूँगा, इस जगह को अच्छे से खुले में देखूंगा बिना मिनिमम पब्लिक के साथ में, और उसका पूरा वीडियो एक बार फिर से शूट करूंगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त करीब करीब मेरे हिसाब से 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर है, ठंडी अच्छी है। मुझे नहीं पता आपको कितनी लगेगा कितनी ठंडी लगेगी इस वक्त, लेकिन मुझे ये 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर बहुत अच्छा लगता है। माउंट आबू आने से पहले काफ़ी लोगों ने मुझे डरा दिया था कि माउंट आबू में टेम्परेचर माइनस हो सकता है और यहाँ पर जो नकी लेक है वो पूरी बर्फ बन जाती है, लेकिन मैं बता दूँ कि ऐसा कोई यहाँ पर माइनस टेम्परेचर नहीं है, बहुत ही सुहावना क्लाइमेट है और मुझे ये क्लाइमेट अक्सर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे वैसे भी विंटर और रेनी सीज़न जो है बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों से मुझे नफरत है। तो 10-12 डिग्री का टेम्परेचर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप घर से बाहर एटलीस्ट निकल के वॉक के लिए या कहीं पर भी आप जा सकते हो, आपको ज़्यादा वो स्वेटर और वो सब पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही कहूँगा कि बस इससे अच्छा और आपको क्या मिल सकता है, जहाँ पर अच्छा क्लाइमेट हो, अच्छा सीनिक ब्यूटी हो, बस इसी को इन्जॉय करने के लिए तो हम घर से बाहर निकलते हैं। थैंक यू। दोस्तों, जहाँ कल एक और ये रास्ता पूरा गाड़ियों और लोगों से भरा पड़ा था, आज वहीं पे एक सुनसान है और सुखद अनुभव इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ वॉक करते हुए। तो मैंने सोचा इस वॉक करते हुए रास्ते में जो भी खूबसूरत और 5-स्टार प्रॉपर्टी है उनसे भी आपसे एक बार रूबरू करा दूँ। इस वक्त ठीक मेरे सामने चाचास दावत करके एक 5-स्टार प्रॉपर्टी है जिसके रूम्स बहुत अच्छे और प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है। यहाँ से थोड़ा आगे और वॉक करके मैं दूसरी होटल की तरफ जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपसे कहूँगा कि ये भी यहाँ की बहुत ही खूबसूरत होटल है जिसका नाम है होटल हिलॉक। आप जब कभी भी माउंट आबू प्लान करते हो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। इसके ठीक थोड़ी दूरी पर जाने पर होटल शेरटन करके एक प्रॉपर्टी है, ये भी यहाँ की बेहद ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पर मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी लगी है। इससे ठीक आगे होटल हिल्टन करके भी एक 5-स्टार प्रॉपर्टी है, ये भी यहाँ की बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी। दोस्तों, यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हो। इस वक्त जिस मैं होटल के सामने हूँ, इसका नाम है होटल सम्राट। 30 वर्ष पहले जब मैं अपने पापा मम्मी के साथ में यहाँ पे आया था तब मैंने इस होटल में स्टे किया था, और इस होटल की खासियत ये थी कि इसके रिसेप्शन के बाहर ग्रेप्स अंगूर की बेरें लगी थी, रियल ओरिजिनल अंगूर की बेरें लगी थी। उस एज में अंगूर की बेल को देखना अपने आप में बहुत ही खुश करने वाली बात थी, और ये होटल उसी के नाम से भी जानी जाती थी कि जिसके बाहर अंगूर की बेलें लगी है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था उस एज में। आज फिर इसी जगह पे 30 साल बाद आया हूँ तो सारी पुरानी मेमोरीज एक बार जो है, पुरानी यादें फिर से एक बार ताज़ा हो गई है। मैं आपको ये होटल का एक बाहर से एक वीडियो शूट करके दिखाता हूँ। अंगूर की बेलें अब है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जगह बिल्कुल वैसी ही है, मैं आपको शूट करके दिखाता हूँ।
दोस्तों, इस वक्त मैं जहाँ जिस जगह पे खड़ा हूँ, उस जगह पे 30 साल पहले जब मैं आया था, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही खूबसूरत सा मेरा एक फ़ोटो क्लिक किया था, जिसमें मैंने वाइट कलर का पैंट पहना था और ऊपर एक रेड जर्सी टाइप का मैंने कुछ पहना था और गॉगल्स में इसी पार पे, जिसका मैंने पार का भी शूट किया, उसी पार पे ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, इसी पे खड़े होकर मैंने एक फ़ोटोग्राफ क्लिक किया था। वो बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है और उस मेमोरी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती सबसे बेस्ट एक्टर थे बॉलीवुड के। तो उन्होंने उस वक्त एक नई फैशन को लॉन्च किया था और उसे कहा जाता था लूज़र टी शर्ट या लूज़र शर्ट कहते थे। उसकी खासियत ये थी कि आपके अंडर आर्म से वो टी शर्ट या शर्ट इतना लूज़ होता था कि आप दोनों हाथ अगर ऊपर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके विंग्स निकला है, पंख निकला है। ये उसकी खासियत थी। तो उस वक्त वो नए फैशन ट्रेंड में था, तो मैंने सबसे पहले दो टी शर्ट उस वक्त जो बाय किए थे वो लूज़र टी शर्ट बाय किए थे और वो पहन के सीधे में माउंट आबू आया था और यहाँ आके मैंने बहुत इन्जॉय किया था मॉम डैड के साथ में। बहुत पुरानी मेमोरीज इस वक्त मुझे फिर से एक बार याद आ रही, फिर से उन लम्हों को मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ। मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ सबको याद करके। मेरे पास वो फोटोग्राफ्स भी है, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को एडिट करते समय मेरे उस माउंट आबू वाले फ़ोटोग्राफ को भी मैं इसमें ज़रूर आप सभी को दिखाऊँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, दोनों दिन मॉर्निंग वॉक के बाद मैंने सुबह का नाश्ता इस लकी टी स्टॉल नाम के होटल में किया, जिसके बाहर नाम चाय लिखा हुआ है। यहाँ पे चाय, समोसा, कचौरी और पोहा बहुत ही टेस्टी मिलते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे मिलते हैं। दोस्तों, माउंट आबू में आज मेरा दूसरा दिन है और दूसरे दिन के लिए मैंने जो प्लान किया है, जहाँ मुझे आज घूमना है, उसमें से सबसे पहले जो मैंने प्लान किया हुआ है देलवाड़ा टेम्पल। इस मंदिर के बारे में आपसे मैं क्या कहूँ, मैं जो भी कहूँगा बहुत कम होगा, अतिशयोक्ति हो जाएगी मैं जो भी कहूँगा। अपने आप में वो बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत ही पुराना मंदिर है। करीब 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में इसका पूरा निर्माण हुआ है और ख़ास तौर पे जैन तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर जो है जैन के, वो है आदिनाथ जी, उनको ये मंदिर समर्पित है। इसके अलावा भी कई भगवान की वहाँ मूर्तियाँ हैं, पार्श्वनाथ भगवान की, नैमिनाथ जी भगवान की, महावीर स्वामी भगवान के भी वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। और मुख्य रूप से ये जो मंदिर है वो आदिनाथ भगवान को समर्पित है। और इसकी खासियत है कि इसमें यहाँ पे आदिनाथ भगवान के जो चक्षु है, चक्षु यानी कि जो आँखें हैं, वो ओरिजिनल रियल डायमंड्स हीरे की बनी हुई है और उनके सारे आभूषण जो है वो सोने और हीरे जवाहरात के बने हुए हैं। ये मंदिर में बहुत ही पुरानी कलाकृतियाँ हैं, कई थंबे हैं, कई इसमें अनगिनत कलाकृतियों से ये भरा हुआ मंदिर है। तो मैं इससे ज़्यादा और क्या तारीफ़ करूँ मैं इसकी, बस इतना ही कहूँगा कि आप जब कभी भी आओ तो दिलवाड़ा मंदिर में आप ज़रूर जाए। एक बदल से भी मेरी ये है कि मैं दिलवाड़ा मंदिर में कैमरे को साथ में लेके नहीं जा सकता हूँ, वहाँ पे कैमरा मोबाइल सब अलाउड नहीं है, मुझे बाहर ही रखने पड़ेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इस मंदिर को ज़्यादा शूट तो मैं कर नहीं पाऊँगा, लेकिन आप जब कभी भी आए तो इस मंदिर का दर्शन कीजिए।
इस वक्त मेरे सामने मधु करके जो लड़की है, ये अचलगढ़ के लिए हमारी गाइड है। अचलगढ़ टेंपल के बारे में सारी बारीक से बारीक जानकारी मधु में देने वाली है। बराबर मधु, चलो बताओ अभी समय। फिर से बताओ, बोलो। जैन मंदिर के अंदर 1443 मण पंच तात्विक की सोने की मूर्ति है और ये जैन मंदिर 550 साल पुराना है। महाराणा कुंभा ने यहाँ पर राज किया था, ये किला बना के। पहले तो ये सब किला ही था, अभी तोड़ के ये सब मंदिर बनवाए है कैलाश के परिवार ने। ओके। और ये दुर्गा का मंदिर है, ये वाला खुला है। चोटिया चप्पल पैरों में नहीं आती, बियाल की भी बियाल तो बगल में नहीं आती, अंतर की सीसी पत्थर से फोड़ दूं, तीन साल मिल गए तो साड़ी वाली को छोड़ दूं, चाय में पत्ती नहीं तो पीने का क्या मजा, बियाल के साथ पाबी नहीं तो पीने का क्या मजा, हरी नाम का प्याला पियूंगे तो आपकी जिंदगी तो सुधर जाएंगी, जाम के ऊपर जाम पीने से क्या फायदा। आगे नहीं आते दोस्तों, दिलवाड़ा टेंपल के दर्शन के बाद, हालांकि दर्शन करने बहुत मजा आई वहां पे और बहुत ही अद्भुत मंदिर था, लेकिन दर्शन करने के बाद जैसे ही वहां से मैं निकला तो मेरा नेक्स्ट प्लान जो था वो ब्रह्म कुमारी पीस गार्डन का था, पर इस वक्त कोविड के चलते एंट्री बंद की थी, किसी भी विजिटर्स को अंदर अलाउड नहीं है, तो किसी कारण से, इसी वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा सका उस गार्डन में। फिर थोड़ा सा प्लान चेंज किया मैंने, यहाँ पे अचलगढ़ फोर्ट एक जगह है, ये भी काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है, वहाँ पे 550 साल पुराना एक मंदिर है भगवान आदिनाथ जी का, जैन टेम्पल है। तो अभी मैंने यहाँ पे भगवान आदर्श जी के दर्शन किए हैं और दर्शन करके थोड़ा सा ट्रैकिंग का मूड था इस फोर्ट के ऊपर, हालांकि काफ़ी चढ़ान है यहाँ पे, तो फैमिली जो मेरे साथ में ऊपर चढ़ने के लिए मना कर रही है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना ऊपर चढ़ सकूँ मैं चढ़ूँगा और उसके बाद उसका भी वीडियो बनाऊँगा और फिर बस यहाँ से फिर होटल के लिए रवाना। थैंक यू। दोस्तों, शॉपिंग के लिए नक्की लेक पे मौजूद गुजराती सारी स्टोर एक बहुत ही फेमस दुकान है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा कपड़ों का कलेक्शन मिल सकता है। यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद जब मुझे ढेरों से भूख लगी तो मैंने संकल्प साउथ इंडियन रेस्टोरेंट को चुना जो कि नक्की लेक पे मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने डोसा मंगाया, केसरी भात मंगाया और भी दो आइटम मैंने मंगाई है। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने इतना टेस्टी साउथ इंडियन फूड मुंबई में भी नहीं खाया, ना कहीं बेंगलोर में कभी खाया। दोस्तों, डोसे के साथ में इन्होंने 5 प्रकार की चटनियाँ दी है और सारी की सारी बेहद ही टेस्टी थी, और ख़ासतौर पर केसरी भात जो कि साउथ का एक मेन डिश है, बहुत ही डिलीशियस सारी चीज़ उन्होंने बनाई थी। दोस्तों, मैं यकीन तौर पर आपसे कहूँगा कि जब कभी भी आप माउंट आबू आओ और साउथ इंडियन फूड खाने का अगर आपका दिल करे तो संकल्प होटल में आप ज़रूर जाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस बार की मेरी 5 डेज़ की उदयपुर की और माउंट आबू की हॉलीडे जो है वो आज समाप्त हो रही है। ये जान के बहुत दुख हो रहा है मुझे, फिर से मुंबई जाके वही रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी।
पर दोस्तों बहुत ही यादगार ट्रिप रही मेरी और बहुत सी यादें मैं यहाँ से लेके मुंबई जा रहा हूँ। दोस्तों जाने से पहले एक और बात मैं कहूँगा कि मैं जब भी घूमने के लिए जाता हूँ तो मैं सिर्फ घूमने के लिए जाता हूँ, वीडियोग्राफी के लिए नहीं जाता हूँ। वीडियोग्राफी मेरा शौक है, वीडियो बनाने के लिए मैं नहीं घूमता हूँ। मैं घूमता हूँ तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, और वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे मेमोरीज़ को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे शौक है हर जगह में जहाँ घूमता हूँ उसके वीडियो बनाऊँ, फोटोग्राफ क्लिक करूँ, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन तैयार करके मैं यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी पहुँचे। और जब कभी भी आप ऐसी जगहों पर घूमना है तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करनी पड़े। दोस्तों एक और बात कहूँगा कि 12 महीने में एक साल में एक आध बार जब कभी भी आप कहीं बाहर घूमने का प्लान करते हो तो सिर्फ फैमिली प्लानिंग करो। जैसे कि इस बार मैं फैमिली के साथ ही मैंने घूमने का प्लान किया था। इसकी वजह यह है कि जब आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में कहीं घूमने के लिए जाते हो तो अक्सर आप अपने दोस्तों के साथ ही बिजी रहते हो और अपने बच्चों को, अपने वाइफ को आप टाइम नहीं दे पाते हो। तो साल में एक बार ऐसी कोशिश कीजिए कि जब आप फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान करते हो तो सिर्फ फैमिली के साथ ही जाए, और बाकी दो तीन ट्रिप ऐसे भी अगर हो जाए दोस्तों के साथ में तो मैं ये नहीं कहता हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है, पर फैमिली के साथ एक ट्रिप होना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ कि आपकी फैमिली बाउंडिंग और बढ़ती है, आप क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हो। तो यही कहूँगा, एक ट्रिप फैमिली के साथ में हमेशा बनाइए, अकेले जाइए उनके साथ में। और दूसरी बात ये कहूँगा दोस्तों कि जब कभी भी हो सके ट्रैवल करते रहो, बिजनेस में इतने मशगूल ना हो कि आप ट्रैवलिंग ना करो, घूमो नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि एक्सप्लोर करने के लिए मिली है। मैं वैसा ही करता हूँ और आपको भी कहता हूँ कि आप ऐसा ही कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।